उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा सहित पहाड़ी नदियों और सहायक नदियों में बारिश का पानी आने से गंगा के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। वहीं बात करें चंदौली जनपद की, तो यहां भी पिछले चार दिनों में जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, गंगा के किनारे स्थित जनपद के तटवर्ती गाँव में गंगा के खौफनाक रूप को देखते हुए ग्रामीणों को बाढ़ की दहशत सताने लगी है, जिसको लेकर अब ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए हैं। यही नहीं, मल्लाहा जाति के लोग बढ़ते गंगा के जलस्तर के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कैली गांव के रमेश प्रसाद साहनी ने बताया कि बढ़ते जलस्तर से कटान चालू हो चुका है, हम और हमारा परिवार को रहने का कोई जगह नहीं है, रोड पर या किसी खेत में बसेरा करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश मला। क्या दिक्कत हो रही? गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा का जलस्तर जो इस समय बढ़ा है, ऐसे कभी नहीं बढ़ा था। चार दिन में पानी घर के सामने आ गया, घर कटान पे हो गया है। हम लोग बाहर जा कर के रोड पे सो रहे हैं, बच्चे के लेकर के, कि ताकि दीवार न गिर जाए। कच्चा मकान है, खपड़ा का घर है, अगर कटान लगेगी तो बच्चे मर जाएंगे। कितनी दिक्कत हो रही है? अरे बहुत दिक्कत हो रही है, घर चू रहा है, पानी टपक रहा है उसमें। इससे पहले भी आपने काफी समय से यहाँ नाव चला रहे हैं, इससे पहले भी जलस्तर बढ़ा था? हाँ, सन 76 से हम नाव चला रहे। 76 में जब बाढ़ आई थी, उस समय किसके घर में पानी नहीं गया था? बाभन हो, ठाकुर हो, मतलब किसी के घर में ऐसा नहीं था कि पानी नहीं गया होगा। डर लग रहा है? लेकिन उस समय सब लोग खाते थे, पीते थे, आराम से मेहनत मजदूरी करते थे। इस समय मजदूरी भी नहीं मिल रही है। डर सता रहा है, जलस्तर बढ़ता है बहुत जल्द। अरे डर सता। साथ ही कैली गांव निवासी रवि प्रकाश ने बताया कि रुक रुक कर हो रही बरसात से जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। गंगा किनारे कटान बहुत तेजी से है। हम लोगों का घर गंगा के किनारे है, वो गिर रहा है, जो भयानक स्थिति बनी हुई है, उससे काफी डरे और सहमे लोग हैं, लेकिन जिला प्रशासन से कोई सूचना या सुविधा नहीं मिल पाई। क्या नाम है आपका? रवि प्रसाद। गंगा का जलस्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग किनारे पे हैं, क्या दिक्कत हो रही है और जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे क्या लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है सर, जितना जलस्तर बढ़ रहा है, अभी तक इतनी तेजी से बढ़ा नहीं था जलस्तर कभी भी। और हम लोग का घर गंगा किनारे है, कटान हो रहा है, गिर रहा है, घर वगैरह, मकान वगैरह सब गिर रहे हैं। अभी तक जिला प्रशासन से कोई सूचना मिली आपको? अभी तक जिला प्रशासन से कोई सूचना नहीं मिल पाई है। डर लग रहा है जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है? जिस हिसाब से जलस्तर बढ़ रहा है, उस हिसाब से बहुत डर लग रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार निषाद। आप नाव चला रहे हैं, पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, मछली माछ मिलने रहा है, बहुत परेशानी है। कैसे परिवार चला रहे हैं? क्या करना, कोई मिल जाता है आधा किलो पावर वही बेच कर कुछ चलाते हैं खाने पीने के लिए। अभी जिला प्रशासन से कोई मदद मिली? कुछ नहीं। पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, डर सता रहा है आपको? हाँ, क्यों नहीं सता रहा है। करार पर घर है, गिरने की संभावना है, हमारा घर देखेंगे तो पूरा खड़पड़ेगा, पूरा नीचे गिर गया है, और प्लास्टिक का है ना, उसमें छा कर रहते हैं, कोई देता नहीं साथ। इधर गाजीपुर में इन दिनों गंगा रौद्र रूप धारण करते हुए खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से जनपद के सैकड़ों गांव गंगा से प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं मोहम्मदाबाद तहसील का शेरपुर गांव में बीती रात से गंगा अब किसानों के खेत पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अभी तक करीब 10 बीघा से ऊपर खेत गंगा में समा चुके हैं, जिसके बाद से यहां के किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और विभागीय अधिकारियों को कोसते नजर आ रहे हैं। इस समय बाढ़ आया है, ये जो कटान का रुख अब छोटे माजरे से बड़े माजरे के तरफ जो जा रहा है, जो शेरपुर कला के नाम से प्रसिद्ध है। हम लोग शेरपुर ग्राम सभा के अंतर्गत ही आते हैं। 2012 से लेकर के संघर्ष करते करते अब जा कर के हमारे सेमरा गांव को, छोटे माजरा को निदान मिला है। अब जो है गंगा का रुद्र रूप अब बड़े माजरे शेरपुर के तरफ रुख बना रखा है। वहीं अगर हम जनपद गाजीपुर में बहने वाली अन्य नदियों की बात करें, तो जनपद में कुल 9 नदियां हैं, जिसके जलस्तर में भी काफी इजाफा हो गया है। उन्हीं नदियों में एक गोमती नदी भी है, जो कई गांव में तबाही मचाए हुए है। सैदपुर तहसील के गौरी, तेतारपुर, गैरहट गांव गोमती से तीनों तरफ से घिरी हुई है। गाँव में जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, जहाँ पर गोमती का पानी पहुँच गया है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या आना शुरू हो गया है।
यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में कई तरह की फसल लगाई हुई है, लेकिन बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से सब कुछ नुकसान हो गया है। वहीं मौजूदा समय में जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई। यह बाढ़ की वर्तमान में स्थिति है और नदी का पानी अभी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अरहर बुरा, सरसों का तिल्ली बुरी, उतैला बुरा, उर्दी का सब खेती हुई, सब बुड़ गया, धान भी बुड़ गया, सारा खेती धूमी तो भैया क्षति। गांव कौन सा है आपका? गौरहट। हमारे यहाँ सब करीब एक तिहाई हिस्सा, आधा हिस्सा बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गया है और आने जाने के लिए रास्ता अवरुद्ध हो गया एकदम। और यहाँ मवेशियों के लिए भी परेशानी है और नैया वैया के लिए लगाया गया है, अभी लगी नहीं है, लगाएंगे लोग और अधिकारी आ ही रहे हैं। इस पूरे मामले पर प्रभारी जिला अधिकारी प्रकाश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी मिलते ही सिंचाई विभाग और उप जिला अधिकारी मोहम्मदाबाद को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि मौजूदा समय में कटान रोकने में जो कुछ भी कर सकते हैं राहत और बचाव कार्य शुरू करें। वृद्धि हुई है, बाढ़ का पानी गाँव के आबादी क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनको पहले ही इवैक्यूएट कराया जाए, आबादी को, लोगों को उसके लिए पहले से व्यवस्था कर ली जाए, कहाँ पर शरणालय हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए, साथ ही वहाँ पर आवश्यक मात्रा में नावों की व्यवस्था कर ली जाए। इसके लिए भी संबंधित तहसीलों में उपजिलाधिकारियों द्वारा तैयारी की जा रही है। जो हमारे नदियों में जलस्तर में वृद्धि होने से जो हमारे संपर्क मार्ग में अगर कोई समस्या पैदा हुई है, कोई कटान हुआ है या रुका है, तो उसके लिए रूट डाइवर्जन के लिए भी हम लोगों के द्वारा व्यवस्था कर ली गई है, पूरी प्लानिंग कर ली गई है ताकि कहीं से कोई आम जनता को परेशानी न हो। सर अभी देखा जाए कि कठवा मोड़ पुलिया जो उधर मिर्जापुर में गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण गंगा के किनारे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और सैदपुर तहसील में चिल्ह इलाके के हरसिंहपुर गाँव के दर्जनों घर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। इससे पहले गंगा के किनारे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की वजह से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। गांव में रोजमर्रा के कार्य बाढ़ के पानी में ही गांव के लोग कर रहे हैं। वहीं गंगा में बाढ़ की वजह से कर्णावती नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से अकोड़ी के पास अकोड़ी बबूरा मार्ग बंद हो गया है। इस मार्ग पर बने पुल पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से दर्जन भर गाँव में आवागमन प्रभावित हुआ है। आपका संजय सिंह, किस गांव के हैं, क्या दिक्कत हो रही है, गंगा जी की स्थिति क्या है? अरे बाढ़ आ गया, सब बुड़ रहा है, कोहरा तोड़ने जा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है? अरे बहुत नुकसान हो चुका, कम से कम 200 बीघा। खेत में घरों तक पानी क्या स्थिति है? घर तक पहुंचने वाला है। इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या दिक्कत होगी? सब दिक्कत हो गुरु, बढ़ा मनाई सब तो दिक्कत होगा। जिला प्रशासन आया, आप लोगों को कुछ कहा या अलर्ट किया? कुछ नहीं किया, नहीं आया। आपका निवासी शर्मा, निवासी बताइए कौन सा पानी है और क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को, क्या क्या नुकसान हुआ है, कहाँ पानी पहुँचा है? सर दिक्कत ये है कि बाढ़ 2 दिन से बढ़ रही है, ठीक है, और सब्जी उब्जी नुकसान बहुत ज़्यादा, फसलें नुकसान हुए, घर में पानी घुस गया है, गाय गोरू को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो क्या दिक्कतें होंगी? इसी तरह अगर पानी बढ़ा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, रहने के लिए भी सुविधा नहीं रहेगा, प्लान करने मजबूर होंगे। तो कभी इधर जिला प्रशासन या कोई अधिकारी कर्मचारी आया आप लोग को अलर्ट करने? क्या नहीं, नहीं अभी तो कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं है कोई भी। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? भाई हम ये चाहते हैं कि प्रशासन कुछ सुविधा दे यहाँ पर, और क्या। तो कितना मतलब नुकसान हुआ होगा फसल? अरे फसल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सब डूब गए, सब एकदम फसल डूब गए गंगा नदी की वजह से। गंगा नदी के रौद्र रूप की ये तस्वीरें हैं, जहां गांव सहित शहर के निचले हिस्से में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने अपने घर छोड़ किसी सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें इसकी खुली गवाही दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री महेंद्र नाथ ने आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण कर जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को NH पर स्थापित करने का निर्देश दिया और जिले के किसी भी आपदा से निपटने के लिए NDRF की 5 सदस्य टीम, SDRF की 25 सदस्य टीम और PAC के 15 सदस्य टीम को बलिया बुला लिया गया है। वहीं गांव वालों में राशन, दवाइयां सहित सभी जरूरत का सामान बांटने का निर्देश दिया गया है।
कितने गांव प्रभावित नजर आए और क्या समस्या दिखी आपके लोगों में? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं बलिया में उपस्थित हूँ और जिस तरीके से बलिया के बाढ़ बचाव कार्यों को विभाग के द्वारा किया गया है उसके कारण से हमारा बलिया पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत भारी मात्रा में जल छोड़ने के कारण से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर गंगा इस समय प्रवाहित हो रही है, चल रही हैं, और उसी के कारण से आज हमारे बैरिया जो तहसील है, ब्लॉक है, उसके अंतर्गत 10 ग्राम पंचायतें और हमारा जो सदर है इसमें 5 ग्राम पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं। मजरे टोले मिलाकर के लगभग 50 ऐसे छोटे बड़े गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ में गांव के चारों तरफ पानी आ गया है, कुछ में गांव में पानी घुस गया है और कुछ गाँव में 3 तरफ से पानी आया है, एक तरफ से वो सुरक्षित हैं। हमने अभी जो सर्वेक्षण करके ऊपर से देखा है उससे हमारे सभी बंधे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन फ्लड प्लेन में जो लोगों ने घर अपने बना लिए थे उन घरों में कुछ पानी चले गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उसका परिणाम ये हुआ है कि जो लोग जिनके घरों में पानी चला गया था ऐसे 200 परिवारों को NH पर शिफ्ट किया गया है और उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आदरणीय विधायक गणों ने यहाँ पर विस्तार से उस बात को रखी है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। निश्चित रूप से जलस्तर बढ़ने के कारण से गाँव में पानी गया है। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके एक वृहद स्तर की योजना रचना बनाई है, सभी अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए हर गांव में राशन की किट पहुँचाना, भोजन का पैकेट पहुँचाना, प्रकाश की व्यवस्था करना, जिसके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े देना, मेडिकल किट देना, मेडिकल टीम को गाँव-गाँव में पहुँचाना, पुलिस के द्वारा वहाँ पर हैंडसेट के साथ पुलिस तैनात करना। आपको बता दें कि नदियों का पानी इलाके में घुसने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक जिला प्रशासन द्वारा गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर या बाढ़ को लेकर कोई सूचना तटवर्ती इलाकों में नहीं दी गई है और न ही किसी अधिकारी ने अब तक दौरा किया है। गंगा के तेज बहाव के कारण तटवर्ती इलाकों में कटान भी तेजी से शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।